हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका ऐसे में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैंने स्वर संप्रभुता एवं स्वाभिमान के सच्चे प्रतिमान वीर महाराणा प्रताप जी के जयंती का पोस्टर दोस्तों मैंने अपने मोबाइल फोन से बहुत ही बेहतरीन ढंग से महाराणा प्रताप जी के जयंती का पोस्टर डिजाइन किया है। दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल फोन से इस तरह का महाराणा प्रताप जी की जयंती का पोस्टर दोस्तों बनाना चाहते हैं। दोस्तों, आप इस पोस्टर में अपना नाम और दोस्तों यहां पर अपनी फोटो लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन से बहुत ही आसानी से इस पोस्टर को दोस्तों एडिट करके दोस्तों यहां पर अपना नाम और दोस्तों यहां पर अपनी फोटो दोस्तों बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, इस पोस्टर को एडिट करने के लिए दोस्तों आपको पिक्सल एप एप्लीकेशन और दोस्तों आपको महाराणा प्रताप जी की जयंती पोस्टर की PLP फाइल की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, पिक्सल एप एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से आसानी से अपने मोबाइल फोन में दोस्तों इंस्टॉल कर सकते हैं और दोस्तों आपको महाराणा प्रताप जी के जयंती पोस्टर की PLP फाइल का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जिप फाइल मिल जाएगा। दोस्तों, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसकी PLP जिप फाइल डाउनलोड करने से पहले दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने जो जिप फाइल का वहां पर लिंक दिया हुआ है दोस्तों उसमें पासवर्ड लगा हुआ है और दोस्तों वो पासवर्ड आपको इसी वीडियो में 3 स्टेप में देखने को और सुनने को मिल जाएगा। दोस्तों, इस पासवर्ड को जब आप जिप फाइल को क्लिक करके आप अनजिप करेंगे तब दोस्तों आपको इस पासवर्ड को यहाँ पर आपको लिख देना है और दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपकी जिप फाइल बहुत ही आसानी से अनजिप हो जाएगी और दोस्तों आपको महाराणा प्रताप जी के जयंती पोस्टर की PLP फाइल और दोस्तों इसका बैकग्राउंड आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप पिक्सल एप एप्लीकेशन को अपने ओपन कर लीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको महाराणा प्रताप जी की PLP फाइल दोस्तों आपको उस जिप फाइल मिली होगी। दोस्तों, उस PLP फाइल को दोस्तों आपको इस पिक्सल एप में दोस्तों ऐड करना है। दोस्तों, अगर आपको पिक्सल एप में PLP फाइल को ऐड करना नहीं आता या फिर दोस्तों आपको कुछ और प्रॉब्लम आती है तो दोस्तों उन वीडियो का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आप उन वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों आप उन वीडियो को देख करके दोस्तों कुछ सीख सकते हैं। दोस्तों, मैंने पिक्सल लैब में दोस्तों महाराणा प्रताप जी की जयंती पोस्टर की PLP फाइल दोस्तों पहले से ऐड करके रखी हुई है। दोस्तों, सिंपली इस पर मैं क्लिक करूंगा और दोस्तों आपकी PLP फाइल ओपन हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आप इस महाराणा प्रताप जी की जयंती पोस्टर में यहाँ पर अपना नाम और दोस्तों यहाँ पर अपनी फोटो लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस लेयर बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, इस लेयर बटन पर क्लिक करके दोस्तों इस महाराणा प्रताप जी की जयंती पोस्टर में दोस्तों आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं इस पोस्टर में यहाँ पर अपनी फोटो लगाना चाहता हूँ तो दोस्तों सिंपली इस फोटो को दोस्तों आपको यहाँ से हाइड कर देना है या फिर दोस्तों आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। दोस्तों, मैं अभी इस फोटो को हाइड कर देता हूँ इस पर क्लिक करके। दोस्तों, आप यहाँ पर अपनी फोटो लगाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको सिंपली इस प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ से दोस्तों आपको फ्रॉम गैलरी में चले जाना है। दोस्तों, आप यहां से उस फोटो को सिलेक्ट कर लीजिए जो दोस्तों आप इस पोस्टर में लगाना चाहते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं इस पोस्टर में ये वाली फोटो लगाना चाहता हूं तो दोस्तों आपको इस पर एक बार क्लिक करना है। दोस्तों, आपकी फोटो कुछ इस तरह से आएगी। दोस्तों, यहां से आप इस फोटो को दोस्तों क्रॉप कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसके बाद दोस्तों आपको सही वाले निशान पर क्लिक करके दोस्तों आपकी इस तरह से फोटो ओपन हो जाएगी। आपको इस मोटे वाले बिंदु पर क्लिक करके दोस्तों आपको इस तरह से आपको ड्रैग करते हुए दोस्तों इस फोटो को आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, आप अपने हिसाब से कर लीजिए और दोस्तों इस फोटो को दोस्तों आपको इस तरह से दोस्तों आपको यहां पर एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इस लेयर बटन पर क्लिक करना है और दोस्तों इस लेयर को दोस्तों सिलेक्ट करके दोस्तों इस फोटो को आपको यहां से दोस्तों इस तरह से आपको यहां पर छोड़ देना है ला करके। इसके बाद दोस्तों आपको इस फोटो को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको इस फोटो को लॉक कर देना है आपको इस तरह यहां पर क्लिक करके। इसके बाद दोस्तों आपको इस लेयर बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आप इस पोस्टर में यहाँ पर अपना नाम लिखना चाहते हैं तो दोस्तों आपको फिर से लेयर बटन पर क्लिक करना है और दोस्तों आपको देखना है नाम कहाँ पर लिखा हुआ है। दोस्तों, आपको उसी लेयर को सिलेक्ट कर लेना है और दोस्तों आपको इस लॉक को हटा लेना है और आपको इस पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, आपको फिर से पेंसिल वाले बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों, आप यहां से नाम बहुत ही आसानी से एडिट करके दोस्तों आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं यहां पर लिखना चाहता हूं शिवम राजपूत तो दोस्तों सिंपली सा दोस्तों आपको इस तरह से दोस्तों बहुत ही आसानी से आप यहां से टाइप कर लीजिए शिवम राजपूत और दोस्तों आपको इसके बाद ओके पर आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, आपका नाम बहुत ही आसानी से एडिट हो जाएगा। दोस्तों, आपको इस तरह से दोस्तों नाम को लाना है और इस मोटे वाले बिंदु पर क्लिक करके दोस्तों इस नाम को इस तरह से आपको छोटा बड़ा कर लेना है।
दोस्तों आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर अपना सोशल मीडिया हैंडल लिखना चाहते हैं दोस्तों इसको एडिट करके, तो दोस्तों आपको फिर से लेयर बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है सोशल मीडिया हैंडल कहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ये लिखा हुआ है, दोस्तों इसको सिलेक्ट करके दोस्तों इस लॉक को आपको सबसे पहले हटा लेना है। इसके बाद दोस्तों आप किसी भी टेक्स्ट को दोस्तों आप इस तरह से भी एडिट कर सकते हैं। दोस्तों आपको सिंपली सा दोस्तों आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना है। दोस्तों आप बहुत ही आसानी से किसी भी टेक्स्ट को दोस्तों बहुत ही आसानी से एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद दोस्तों आपको ओके पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप इसी तरह से इस लेयर बटन पर क्लिक करके दोस्तों आप इस महाराणा प्रताप जी के जयंती पोस्टर में दोस्तों आप इसी तरह से दोस्तों कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों यह महाराणा प्रताप जी की जयंती का पोस्टर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि दोस्तों मैं जब भी कोई पोस्टर बैनर अगली बार दोस्तों इस चैनल पर अपलोड करूं तो दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। क्योंकि दोस्तों आपका भाई प्रतिदिन नए नए पोस्टर बैनर लोगो कार्ड इत्यादि चैनल पर अपलोड करता ही रहता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो नई पोस्टर बैनर के साथ। नमस्कार, जय हिंद।